नाजरीन, कतर में होने वाला फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे महंगा फुटबॉल वर्ल्ड कप होने जा रहा है। फीफा की हिस्ट्री में जितने भी वर्ल्ड कप हुए हैं, इन सब का खर्चा एक तरफ रखा जाए तो फिर भी वो कतर में होने वाले वर्ल्ड कप का दूर दूर तक मुकाबला नहीं कर सकते। नाजरीन, 2010 में वर्ल्ड कप अपने नाम करने के बाद कतर ने दिन रात मेहनत करके ना सिर्फ 8 वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाए बल्कि एक पूरी लैंड सिटी भी बना डाली। इसके साथ साथ फुटबॉल फैंस को स्टेडियम तक पहुंचाने के लिए दुआ मेट्रो के नाम से ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शुरू किया। इसके अलावा लग्जरी अपार्टमेंट्स, विलास, क्रूज शिप्स, होटल्स और जदीद LED सिस्टम भी मुतारिफ करवाया। नाज़रीन, कतर एक छोटा सा मुल्क है जो सिर्फ 4,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन वो कहते हैं ना कि किसी की साइज देखकर इसकी पावर को जज नहीं करना चाहिए। कतर छोटा तो है लेकिन ये अरब कंट्रीज में सबसे अमीर और GDP के हिसाब से दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप इंडिया में माहाना 1,12,000 रुपये कमा रहे हैं या पाकिस्तान में माहाना 3,20,000 रुपये कमा रहे हैं तो कतर में इतने पैसे कमाने वाले को सबसे गरीब तसव्वुर किया जाता है। जी हाँ, कतर शायद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ गरीबी की रेशो 0% है, जहाँ का हर सिटीज़न एवरेज 1,28,000 डॉलर कमाता है, जबकि अमेरिका जो कि सुपर पावर है वहाँ हर सिटीज़न साल के 60,000 डॉलर, जबकि UK में सालाना इनकम 44,000 डॉलर्स है। कतर में गरीबी का कॉन्सेप्ट ना होने की वजह से यहाँ पर क्राइम रेशो भी ना होने के बराबर है। कतर हर चीज़ में शानदार और आलीशान है, फिर चाहे वो मेगा प्रोजेक्ट्स हों या फीफा वर्ल्ड कप 2022। नाज़रीन, कतर ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 के लिए 8 वर्ल्ड क्लास सोलर पावर स्टेडियम बनाए हैं। इनकी लोकेशन खास तौर पर ऐसी रखी गई है कि ये कतर के कैपिटल से सिर्फ 55 किलोमीटर लैंड्स के अंदर अंदर मौजूद हैं, जहाँ की कड़कती गर्मी से बचने के लिए तमाम स्टेडियम्स को एयर कंडीशनर सिस्टम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। आइए इन स्टेडियम और इनके अल्ट्रा लग्जरी फीचर पर एक नज़र डालते हैं। नंबर 8, अल गौर स्टेडियम। नाज़रीन, नंबर 8 पर अल गौर स्टेडियम आता है जो 35 किलोमीटर के फासले पर गौर सिटी में बनाया गया है। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के कुल 8 मैचेस खेले जाएंगे। इसके स्ट्रक्चर का आइडिया कतर में मौजूद खानाबदोशों के खैमों से लिया गया है। ये स्टेडियम स्पेशल 1-टीन फैब्रिक से बनाया गया है जो इसको अंदर और बाहर दोनों जगहों से एक ही तरह की लुक देती है। इनके साथ साथ स्टेडियम की इतनी बड़ी छत है कि एक बटन की मदद से बंद भी हो सकती है और खुल भी सकती है। अल गौर स्टेडियम के अंदर एक शॉपिंग सेंटर, 5-स्टार होटल, रेस्टोरेंट और इसके साथ साथ ऐसा लग्जरी सिस्टम मौजूद है जहाँ से आप फुटबॉल फील्ड का शानदार नज़ारा इंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7, अल जनूब स्टेडियम। नाज़रीन, ब्रिटिश आर्किटेक्ट ज़ाहा हदीद का डिज़ाइन किया गया अल जनूब स्टेडियम दुनिया के खूबसूरत तीन स्ट्रक्चर्स में शुमार किया जाता है। ज़ाहा हदीद अपनी डिज़ाइनिंग के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। इस स्टेडियम को 2014 से 2019 तक तामीर किया गया था। इस स्टेडियम को एक स्लिंग बोर्ड के तौर पर बनाया गया है। अंदर बैठे 40,000 शायकीन को ऐसा महसूस होगा कि वो किसी बड़ी सी बोट के अंदर बैठे हैं। इसका कॉम्प्लेक्स कूलिंग सिस्टम इसको हर तरह से ठंडा रखता है। इसके अलावा इस स्टेडियम में स्विमिंग पूल, शॉपिंग सेंटर और फाइटिंग हॉर्स भी मौजूद है। नंबर 6, अहमद बिन अली स्टेडियम। नाज़रीन, अहमद बिन अली स्टेडियम को 2009 में बनाया गया था और ये कतर का तीसरा खूबसूरत स्टेडियम है। ये कतर के दारुल हुकूमत दोहा से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर अल रियान सिटी में मौजूद है। इसका नकाबिल यकीन आर्किटेक्चर फॉर्म पैटर्न डिज़ाइन से बनाया गया है। इस स्टेडियम की खास बात यह है कि इसकी चारों साइडों पर रोल्स की मदद से बहुत बड़ी मीडिया LCD लगाई गई है जिसमें न्यूज़, कमर्शल्स और स्कोर अपडेट किया जाएगा। इस स्टेडियम में फीफा वर्ल्ड कप के 10 मैचेस खेले जाएंगे। नाज़रीन, नंबर 5 पर अल तमामा स्टेडियम आता है। ये स्टेडियम हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब बनाया गया है। ये कतर और तुर्की की मुश्तरका टीम ने मिलकर बनाया है। इस स्टेडियम को टोपी के डिज़ाइन से मुतासर होकर बनाया गया है। तबीयत के नाम से पहचानी जाने वाली ये टोपी सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि पूरे मिडल ईस्ट का खास हिस्सा है।
स्टेडियम को एक पब्लिक पार्क के बीच बनाया गया है। इस स्टेडियम में 40,000 से ज्यादा लोग बैठकर मैच का मजा ले सकते हैं। इस मैदान में मजमुई तौर पर 8 मैचेस होंगे, जिनमें 6 ग्रुप मरहले के मैचेस, 1 राउंड ऑफ मैचेस और 1 क्वार्टर फाइनल मैच शामिल है। नंबर 4, एजुकेशन सिटी स्टेडियम। नाज़रीन, एजुकेशन सिटी अरीना अल रियान में वाक़िया है और 40,000 तमाशाइयों की मेज़बानी करता है। ये कतर वर्ल्ड कप 2022 का पहला स्टेडियम है जिसने हीरे से मुशाबा बैरूनी खोल की बदौलत ग्लोबल स्टैंड सिस्टम से 5-स्टार डिज़ाइन और वर्ल्ड रेटिंग हासिल की है। ये दिन के वक्त इंतहाई अकाश होता है और रात को हजारों डिवाइस से रोशन होता है। ये स्टेडियम सूरज की मूवमेंट के साथ काम करता है। ये टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल मैच की मेजबानी करने वाला है। नंबर 3, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम। नाज़रीन, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम कतर के अमीर खलीफा बिन हमाद के नाम पर बनाया गया है। यह स्टेडियम कतर का नेशनल स्टेडियम भी कहलाता है। इस स्टेडियम को काफी अरसा पहले बनाया गया था, लेकिन अब इसको फीफा वर्ल्ड कप के लिए 40 करोड़ डॉलर खर्च करके इसकी रिकंस्ट्रक्शन की गई थी। इसे कतर का सबसे पुराना स्टेडियम भी कहा जाता है, जिसका इफ्तिताह 1976 में हुआ था। इस स्टेडियम में भी 40,000 से ज्यादा तमाशाई बैठकर मैच देख सकते हैं। ये स्टेडियम मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशनर है और आरामदा कूलिंग सिस्टम दर्जा हरारत को बरकरार रखता है। नंबर 2, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम। नाज़रीन, ये कतर का सबसे बड़ा और सबसे पुरकशिश स्टेडियम माना जाता है। लुसेल स्टेडियम मल्टीप्रेज अरीना लुसेल में वाकया है। 1,40,000 मरबा मीटर है और 80,000 तमाशाइयों की गुंजाइश रखता है। ये बुनियादी स्टेडियम है और फीफा वर्ल्ड कप 2022 के फाइनल की मेज़बानी करेगा। ये एक बड़े प्याले से मुशाहबत रखता है, जिसका एक महदूद निशान ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। नंबर 1, स्टेडियम 974। नाज़रीन, 30 नवंबर 2021 को खोला जाने वाला ये स्टेडियम रिसाइकल शुदा शॉपिंग कंटेनर से बना है, जिससे तामीराती लागत, मुद्दत और वसाइल कम इस्तेमाल हुई थी। इसमें 40,000 तमाशाई बैठ कर मैच देख सकते हैं। 974 कतर का कोड है और यही वजह है कि इस स्टेडियम का नाम 974 रखा गया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।